have been and has been. Subjects I, we, you, they and all plurals के साथ have been and he, she, it, name and all singulars के साथ has been. Have been and has been. It shows the time. Something that started in the past and still continuing in the present. यानी कोई ऐसा सिचुएशन जो पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है. पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यह देखेंगे, वी आर बिजनेसमैन, हम व्यापारी है, हम बिजनेसमैन है. लेकिन हमें कहना है हम 1998 से व्यापारी है, या फिर हम 10 साल से व्यापारी है. और अगर मैं इनके वाक्य इस तरह से बनाऊं, वी आर बिजनेसमैन फ्रॉम 1998 और वी आर बिजनेसमैन फ्रॉम 10 ईयर्स, तो ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा. हम यहाँ पर सिंस एंड फर का यूज़ करेंगे, हैव बीन और हैज़ बीन के साथ सिंस और फर. For example, we have been businessmen since 1998 or we have been businessmen for 10 years. Since का use हम कोई एक particular time पर करेंगे, कोई एक specific time, जैसे कोई साल को बताना हो या कोई दिन का बताना हो या फिर कोई time बताना हो, तब हम since use करेंगे. और for हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करेंगे, जैसे 2 दिन, 4 हफ्ते, 4 साल, इस तरह से. आइए और अभ्यास करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वह एक शिक्षक है, वह एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर. अगर मुझे 12 साल से लगाना है कि वह 12 साल से एक टीचर है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ बीन अ टीचर फॉर 12 ईयर्स. फर का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पीरियड है, जैसे 12 साल, फॉर 12 ईयर्स. यहाँ पर और एक एग्जाम्पल, वो 4 महीने से कंपनी की CEO है, शी हैज़ बीन द CEO ऑफ द कंपनी फॉर 4 मंथ्स. वो अगस्त से कंपनी की CEO है, शी हैज़ बीन द CEO ऑफ द कंपनी सिंस अगस्त. अगस्त क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम सिंस यूज़ कर रहे हैं. और 4 मंथ्स एक पीरियड है, इसलिए हम वहाँ पर फर यूज़ करेंगे, फॉर 4 मंथ्स सिंस अगस्त. राधिका पिछले 5 सालों से मेरी म्यूज़िक टीचर है, राधिका हैज़ बीन माय म्यूज़िक टीचर फॉर द पास्ट 5 ईयर्स. अगेन फर, क्योंकि 5 ईयर्स है, यहाँ पर पीरियड है. दूसरा एग्जाम्पल, वो बचपन से मेरे दोस्त है, दे हैव बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड. वह बचपन से मेरे दोस्त थे, यानी बचपन पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम अ डॉक्टर, अगर मुझे कहना है कि वो कुछ सालों से डॉक्टर है, तो हम हैव बीन यूज करेंगे. इसी तरह से शी के साथ हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ बीन, वी के साथ हैव बीन, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इसी तरह से हमें यूज़ करना है.